नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल आरबीएल मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका के सिविल अस्पताल में मंडी पंजे के उतार की एक विवाहिता को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। विवाहिता का आरोप है कि उसके देवर द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब उसने बचने का प्रयास किया तो देवर द्वारा उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया। इसके साथ ही उसने ससुरालियों पर अत्याचार करने के आरोप भी लगाए। जिस प्रकार से यह मामला सामने आया है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका के सिविल अस्पताल में भर्ती विवाहिता का आरोप है कि ससुरालियों द्वारा न सिर्फ उस पर अत्याचार किए जाते हैं बल्कि उससे दहेज की मांग भी की जाती है। इतना ही नहीं, उसके देवर द्वारा उस पर बुरी नजर रखकर उससे छेड़छाड़ का प्रयास भी लगातार किया जा रहा था, जिसके बारे में कई बार पंचायत भी हो चुकी है। पुलिस को इस बारे में सूचना देने पर पुलिस द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई। देखिए कैसे यह मामला सामने आया, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे मतलब देखते रहे हमारा चैनल। इनाई थोड़ा मेनू राय केड़े पिंड दे रहन वाले हो? पंजे के शहर। की गल हुई है जी? मेरा जेड़ा देवर है मेरे नाल जबरदस्ती करता सी। मैं आपदे आप नूं पहचान खातर जे मैं बाथरूम च लुकण दी कोशिश कीती तां उन्हें मेरे सिर दे विच खाड़ मारी। उस तों बाद उन्हां ने मेरे लत्तां मेरे दराणे आके मेरे लत्तां लुत्तां मारियां मेरे बक्खी दे विच। ते फिर मैनूं मंजे दे उत्तर पा के ते मेरे मिट्टी दा तेल पा दित्ता उप्पर ते कहिंदे आ कि जे तूं आपदे पेकिआं नूं दस्सी ना कोई गल, तूं इह गल कहिणी ते तूं आपदे आप डिग्गी ऐं। जे तू ये गल कही ना कि मैंने असं तेन मारिया तो तेन खत्म कर देंगे, तेरे मुंडे ने भी खत्म कर देंगे। कहते अगर पेकिया तो 4 लाख रुपया लैके आ तो तेन थां पा के देवे, निकल नहीं अस तेन रखना नहीं, तेन भी मार देंगे जानू तो तेन मुंडे ने भी मार देंगे। बहुत ज़्यादा कल मैं कुट मार की जो मेरी नानी के मैं लैन गए, मेरे नानी के भी पिंडे तो उन्होंने मेरे जानदे ना गल पै गए, पैपा कूपा उन्होंने भी पिंडे तो मारिया ने, मेरे ब्रदर के भी गल पै गए ने, मेरे बंद ने खुद ने धक्का मारे गेट के पिछों, सानू माँ पुत्रां नूं गली दे विच सट दित्ता। कल नानी ते मेरा ब्रदर मैनूं बड़ी मुश्किल उत्थों लै के आए, मैनूं बहुत ज़्यादा वीरे मारिया कुट्टिया गया, मेरे तो हुण बर्दाश्त नहीं होणी, इत्थों दहेज मंगदे ने, मेरा सारा समान उन्होंने तोड़ छड्डिया, मेरी अलमारी मेरी मशीन सारा कुछ पाना छड्डिया, मोटरसाइकिल भी तोड़ छड्डिया, हुण मैं तेरे उत्थे नहीं रहना चाहती, बस मैनूं मार देणगे सानू। किन्नी देर हो गई तुहाडे व्याह नूं? 1.5 साल हो गया। ते जिवें तुसीं कह रहे हो भी तुहाडी इज्जत ते हाथ पाया तुहाडे देवर ने, मेरे बंदे नूं भी पता सी, मेरे ननाणा नूं भी पता सी, उन्होंने कोई मतलब उन्हां ते एक्शन नहीं चक्किया। ये पहली बारी पाया कि पहला भी तुहाडे देवर नहीं? ये साल हो गया हुंदे नूं, मेरे बंदे नूं खुद नूं सारा गल्लां दा पता सी, इत्थों थाने च भी माफ़ी मांग के गए सी, फिर जांदिआं नाल फिर उही हरकतां उन्हां दी होईआं, कंध गए सी कंध भी नहीं उन्होंने करवाई, फिर उत्थे जांदिआं नाल कुटमार कीती 10 दिनां दे अंदर अंदर, बुरे हाल मेरे उही कीते उन्होंने जांदिआं नाल। हार के एक दिन डरदी ने मैंने जो कुटिया गया, मैं नानी ने फोन लाया, उस तो बाद फिर फोन करके कहते ने तू ये गल कह भी मैं आपे डिगी सी तेन कुटिया मैं। अच्छा, हम तुम कोई पुलिस में दी शिकायत? शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हाले तक की गई। केड़े थाने शिकायत की? गुरु सर कल आए मतलब रिपोर्ट लेते लै गए पर सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, हम की मांग कर रहे हो? बस मैं यही कहनी हूँ भी मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ। 4 ਸਾਲ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕੰਧ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਗਲਤ ਅੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੱਖੀ ਪੈ ਗਏ, ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੱਖੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਪ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਸ।